दिस लेलन टॉप वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। वैसे तो देश भर में तरह तरह के घोटालों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार खबर सेना से। लद्दाख में हुए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की खबरों के बाद एक बड़ा कथित फर्जी बिल रैकेट भी पकड़ा गया है। लद्दाख में मामला ऐसे वक्त सामने आया जब भारत चीन सीमा विवाद गर्माया हुआ है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेना ने इस कथित घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई की मदद लेने का फैसला किया है और भी कई मामलों में जांच में सीबीआई की मदद लेने की तैयारी हो रही है। कहां सामने आए इन घोटालों के आरोप? इंडिया टुडे के संवाददाता शिव अरूर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्मी ने मेरठ के मामले को सीबीआई को सौंपा है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी एमईएस से जुड़ी दूसरी गतिविधियों की जांच भी सीबीआई से गहराई से कराने की बात कही गई है। मेरठ के प्रोजेक्ट में इतना खराब काम हुआ है कि पूरी बिल्डिंग को ही गिराकर दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा लेह, बेंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदनगर में एमईएस के प्रोजेक्ट्स में फर्जी बिलों के कथित मामले भी सीबीआई को सौंपे जा सकते हैं। आर्मी के कंस्ट्रक्शन मामलों में भारी कोताही और भ्रष्टाचार का कथित मामला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के दखल पर सामने आया। जनरल बिपिन रावत ने सितंबर में सेना प्रमुखों को चिट्ठी लिखी थी चीफ विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी से मीटिंग के बाद। इसमें जनरल रावत ने कामकाज के गलत तरीके, पेमेंट में देरी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने लिखा कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने जब इन मामलों पर उनसे सवाल किए तो उन्हें भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जनरल रावत ने मेरठ प्रोजेक्ट के अलावा कोलकाता में बनी घटिया बिल्डिंग का भी जिक्र किया। कोलकाता की बिल्डिंग का ये हाल है कि वो बनने के बाद एक तरफ झुकने लगी। इसी तरह का एक मामला दिल्ली के सलारिया ऑफिसर एनक्लेव का है जिसमें गंभीर जांच होने के बावजूद किसी को सजा नहीं दी गई। इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर शिव अरूर के मुताबिक जनरल रावत ने अपनी चिट्ठी में तीनों सेना प्रमुखों से कहा था कि लोगों की जिम्मेदारी तय करें और सख्त एक्शन लें। इसके बाद बीकानेर में एक अम्यूनिशन स्टोरेज डिपो को गिराने का फैसला लिया गया है। इस डिपो को आर्मी ने 125 करोड़ रुपए खर्च करके बनवाया था, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहद घटिया है। इंडिया टुडे की जानकारी के मुताबिक सेना अब हर एक्टिविटी की एक लिस्ट तय कर रही है जिस सिस्टम में कथित भ्रष्टाचार की तह तक पहुंचा जाएगा। इसमें एमईएस के टेंडर बनाने के तरीके, कुछ खास पार्टियों को फायदे पहुंचाने, बिलों में गड़बड़ी और पक्षपात के आरोपों पर पैनी नजर डाली जाएगी। एक तरफ जहां आर्मी के कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठे हैं, वहीं मसला उन जमीनों का भी है जहां ये कंस्ट्रक्शन हुए हैं। आर्मी के पास बहुत सी जमीन है, डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हें आम लोगों के लिए सड़क, पुल आदि बनाने की जरूरत के हिसाब से राज्यों को देती है। इसके बदले जमीन की कीमत के बराबर की दूसरी जमीन राज्य सरकार से ली जाती है। पिछले हफ्ते एक नया नियम बना है जिसके तहत बदले में जमीन लेने के बजाय राज्य सरकार पैसा मिनिस्ट्री के किसी कंस्ट्रक्शन में लगाकर कीमत अदा कर सकती है। हालांकि इस नए सिस्टम को जानकार आर्मी के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। उनका कहना है कि आर्मी के पास जमीन तो है, लेकिन A1 कैटेगरी की जमीन बहुत कम है। जितनी जमीन है उसमें से 2100 एकड़ जमीन राज्य सरकारें लेकर उन पर प्रोजेक्ट बना रही हैं। इनके बदले कोई जमीन नहीं दिख रही। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का है। यहाँ ट्रेनिंग के लिए ढंग की फायरिंग रेंज ही नहीं है। जिस जमीन पर फायरिंग रेंज बन सकती थी वो तमिलनाडु सरकार ने ले ली, बदले में कोई भी जमीन नहीं दी। हालांकि आर्मी ने इस नए सिस्टम को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, लेकिन भीतर से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि क्या ये नया सिस्टम स्कैम और राजनीतिक हस्तक्षेप से निजात दिला पाएगा। इस मामले में कुछ और पता चला हमें तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी अमित। आप देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।